वीडियो क्या चल रहा है, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में देखो, बेसिकली बहुत से लोगों ने मेरे जो पुराना पहला वाला पार्ट डाला था माइनक्राफ्ट टिकटॉक वर्किंग हैक्स के ऊपर, तो लोगों ने बहुत सारे लोगों को मज़ा भी आया था। कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों को मज़ा आया था, बहुत सारी चीज़ बेसिकली बहुत सी तो कॉमन चीज़ें बताई थी, बहुत से लोगों को पता थी, बहुत से लोगों को नहीं पता थी, बहुत से लोगों को मज़ा आया, ठीक है। एंड लिटरली मुझे कोई एक बंदा इंस्टाग्राम पे डीएम करता है कि भाई इसका पार्ट टू भी निकालो, एंड दो तीन लोगों ने कमेंट भी किया था, ठीक है। तो हम लोग गाइस आ चुके हैं वापस से एक और नई वीडियो के साथ, माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स वर्किंग हैक्स पार्ट टू। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, मैं तुमको ऐसे तीन टिकटॉक हैक्स बताने वाला हूँ जो कि लिटरली में वर्क करते हैं, ठीक है। आप टिकटॉक के नाम पे कर लोगे, इस हैक्स को मत देना बिल्कुल भी, ठीक है। एंड यार इस हैक्स को देखना, लिटरली बहुत सही हैक्स हैं, ठीक है। सो गाइस पहले तो मैं तुम लोगों को बताने चाहूँगा कि जो मैं पहला हैक है बेसिकली फटाफट से शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जाना है, लिटरली 6 बजे मुझे निकलना है कहीं, मेरे लखनऊ मेरे को लखनऊ जाना है, ठीक है। तो मैं 6 बजे निकलूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट इतनी भी जल्दी नहीं है, तुम लोग से ज़्यादा ज़रूरी तो कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए, ठीक है। सो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली एक शोपीस बनाने वाले, ठीक है, एक शोपीस बनाने वाले हैं। अब वो शोपीस उसके अंदर देखो, जो चीज़ भी मैं उस शोपीस के अंदर डालूंगा, ठीक है, ये मुर्गी हो जाए, ये स्केलेटन, स्केलेटन नहीं चलेगा यार, मुर्गी हो जाए, डॉग आ जाए, बेसिकली मैं डॉग डालने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी शोपीस होगा उसके अंदर एक लिविंग थिंग रहेगी, ठीक है, लिविंग थिंग रहेगी। सो मैं तुमको फटाफट से करके दिखाता हूँ, मेरा पहला माइनक्राफ्ट जो कि लिटरली बहुत क्रेजी है, ठीक है, जो कि अभी तक मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको लगता होगा मैं विश्वास के साथ बना रहा हूँ, ऐसा मैंने वीडियो में देखा ये वाला, ठीक है, मैंने वीडियो में देखा, मैंने अभी तक इसको काम नहीं किया, वर्क नहीं किया मैंने इस पर, ठीक है, मैंने अभी तक देखा नहीं है इस पर कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता। अब ये तो मैं तुम लोग के साथ पता चलेगा कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले आप लोग इस तरीके से देखो, कुछ एक ब्लॉक की जगह छोड़ना है बीच में, एंड इसको दो दो ब्लॉक की हाइट पे इस तरीके से इसको ऐसा कर देना है, ठीक है, आपने ये कर दिया, इसी तरीके से इधर भी कर देते हैं। एंड देन इसके अंदर मैं गाइस एक वुल्फ स्पॉन करता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है वुल्फ स्पॉन कैसे होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे फटाफट से ऐसा वुल्फ डालने का है, ठीक है। तो वुल्फ का हमारे पास एग आ जाएगा, देन इसके बाद हम लोग गाइस इस पर रैट क्लिक करेंगे, ओके। तो हम लोग गाइस यहाँ पर लोग देख पा रहे हो, एक हमारे पास डॉगी आ गया है, बेसिकली इसको वुल्फ कहते हैं, बहुत से लोग इसको डॉगी कहते हैं क्योंकि इसकी आवाज़ भौंकती है, ठीक है, पता नहीं वुल्फ की आवाज़ कैसे होती है, मैंने तो आज तक नहीं सुना, और ऊ करके अलावा उसके बाद तो मैंने सुना ही नहीं है ना, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग को इस तरीके करना है, ठीक है, अरे भाई मैंने नीचे कर दिया, मैं फटाफट से पहले सबसे पहले ना गाइस इसको अपना पेड बना लेना है, ठीक है। पेड बना लेने के बाद इसको गाइस इस तरीके से बैठा देना है, ठीक है। बैठाने के बाद क्या करना है कि ये सारी चीज़ें को तोड़ देना है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों को तोड़ देना है इस तरीके से, ठीक है। ओ लो 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 मेरा डॉगी, अरे ठीक है, तू ना थोड़ा आगे आ जा, तू थोड़ा आगे आ जा भाई, अरे तो कुछ ज़्यादा ही धक्का मार गया क्या मैंने, हाँ बस 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 एकदम परफेक्ट जगह बैठा भाई इंदा, ठीक है। सो गाइस अभी क्या करना होगा मैं, अगर ओए तेरे बदन में क्यों आग लग रही है, तेरी किडनी क्यों लाल हो रही है, तारे मर 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 जा मर जा, बस बस हाँ। सो अभी देखो क्या करना है कि सबसे पहले हमें ना इसके आगे लाइक दिस, क्या भौंक रहा है, हाँ इस तरीके से हमें इसके आगे पे ना गाइस यहाँ पे रखना है एक ग्लास, ठीक है, ये ग्लास रखना है। एंड देन हमें ना गाइस सबसे पहले इसके पीछे एक सैंड या फिर कोई भी ऐसा ब्लॉक लगा देना है, ब्लॉक लगाने के बाद गाइस हम लोग को इसके आगे पिस्टन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पिस्टन लगाने के लिए हम लोग को इस तरीके से पहले लगना है कि मतलब जो इसका मुंह है ना वो इधर आना चाहिए, ठीक है, इसका मुंह इधर आना चाहिए, ओके। सो देख पा रहे हो इसका मुंह आ गया ना इधर, ये जो लकड़ी वाला एरिया ना, इसको इस ग्लास की तरफ लगाना है कि जिससे हमारा जो पिस्टन है ना उस ग्लास वो ग्लास को आगे पुश कर सके, ठीक है। एंड देन मैं तुम लोग गाइस सबसे कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने भी ये चीज़ देखी नहीं है, ठीक है, इसके बाद कमाल वाली चीज़ होगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, अरे तो सरक गया यार, रुको यार ये तो गलत बात हो गई, एक मिनट रुको 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 एक मिनट, शायद इसके पीछे हमने ब्लॉक लगा दिया है, ठीक है, हाँ ठीक है। एंड देन अब मेरे को मेरे ख्याल से इसको इधर लगाने का है, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे इसे लगाऊंगा, ओके नाइस। सो ये देख पा रहे हो शोपीस, देख पा रहे हो तुम शोपीस देख पा रहे हो, कांच के शोपीस के अंदर हमने कुत्ता बन गया था, बस पिछवाड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे के एरिया को मैं ठग दूंगा किसी चीज़ से, नथिंग प्रॉब्लम। ये देखो गाइस हमारे पास जीतता जाता कुत्ता है गाइस, देख पा रहे हो तुम, हेलो तुम देख पा रहे हो, हमारे पास गाइस जीतता जाता कुत्ता है, हेलो देख पा रहे हो। इस तरीके से हम लोग केज बना सकते हैं एंड अपने घरों को सजा सकते हैं, अगर आपका कुत्ता भी इसी तरीके से पागलों वाली हरकत करता है या फिर कुछ भी करता है, हड्डी खाने पर भी और मांगता है, तो आप इसी तरीके से उसको कैद कर सकते हैं, ठीक है। एंड यार प्लीज़ यार श्री, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ रोना मत यार, प्लीज़ लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइस देख पा रहे हो ना, इस तरीके से हम लोग इसको कुछ कर सकते हैं। एंड चलो मैं बढ़ता हूँ अपने सेकेंड हैक्स की तरफ, लेकिन यार ये बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार लग रहा है लिटरली, मैंने इसको देखा था ना
मज़ा सा आ गया था। ठीक है, सो अभी मैं फ़िलहाल गाइस जल्दी से दूसरी वाली, पहले मैं इसका मौसम सही कर दूं भाई, मौसम सही करना ज़रूरी है, बारिश बारिश में हमसे काम नहीं होता भाई, ये पैर वैर गीले हो जाते हैं, पैर वैर स्लिप करने लगते हैं भाई, जो बात साफ पहले ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे ये कुत्ते को तुमने कैद कर दिया हुआ है। ठीक है, अब गाइस हम लोग बनाने वाले हैं ना ऑटोमेटिक ब्रिज। अब ऑटोमेटिक ब्रिज क्या है, मैं वो तुमको दिखाता हूँ क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले ना हमें TNT के साथ बूम बाम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले TNT चाहिए होगा। TNT को मैं कहीं गड्ढा वड्ढा वगैरह खोदना है हमको एक्चुअली में। ठीक है, तो गड्ढा हमको खोदना है, तो बेसिकली लाइक दैट को ना कोई प्लेस चाहिए होगी सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे ना गाइस फटाफट से सबसे पहले एक गड्ढा खोदता हूँ। ओके, तो मेरे को गड्ढा खोदने के लिए पहले तो फ्लिंट एंड स्टील चाहिए होगा। ठीक है, फ्लिंट एंड स्टील चाहिए होगा चैट। ठीक है, एंड देन मेरे को इसमें ना आग लगानी पड़ेगी क्योंकि मेरे को ये गड्ढा चाहिए। ठीक है भाई, फट जा। हाँ, बन गया ना गड्ढा। अब देखो क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, अब इसको सही करने के, देखो इसको लगाना कैसे। ठीक है चेक गाइस, देखो हाँ, तो अगर देखो जैसे मैं ना लिटरली गाइस ऐसे चलूंगा और मेरे सामने ना ऐसे रास्ता बनता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा रास्ता बनता चला जाएगा, वो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से। पहले तो आप लोग को ये दो ब्लॉक्स छोड़ देने हैं। ठीक है, ये वाले ब्लॉक्स आपको पिस्टन लगाना होगा। ओके, ये वाले ब्लॉक्स आपको पिस्टन लगाना होगा। ठीक है, तो ओके, तो आप लोगों को इस तरीके से ब्लॉक से पिस्टन लगाना पड़ेगा। एंड देन आप लोगों को मैं फटाफट से पहले लगा देता हूँ, इधर 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 पिस्टन लगा देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से पिस्टन लगाना होगा। ठीक है ओके, तो अभी ये पिस्टन लगाया मैंने, इधर भी लगा देता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है इधर भी लगा देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, कंजूसी नहीं करेंगे हम, क्रिएटिव में है यार, शर्म करो थोड़ा। हाँ, तो अभी हमने ये लगा दिया। ठीक है, तो अब हमें ना रास्ते के लिए ना हम लोग को एक पाथ चाहिए होगा। पाथ चाहिए क्योंकि हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक पॉलिश एंड सेट लगा सकते हैं, ऊपर ये दिख रहा है अभी फिलहाल मेरे को। ठीक है, तो हम लोग पॉलिश एंड सेट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो चीज़ है ना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये तुम यूट्यूब पे ना, मैंने बेसिकली टिकटॉक एक्स में वाली वीडियो में देखा था। ठीक है, और मैंने, मेरे को समझ भी नहीं आया था वो, एक्चुअली ना कोरियन वोरियन का बंदा था तो मेरे को समझ नहीं आया वो, पता नहीं क्या चाहूँ मैं बोल रहा, तो राधे तो इसमें बीच में वीडियो खा रखी थी। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में यूट्यूब पर भी देखा, तो यूट्यूब पर भी कोई इतना चीज़ समझा नहीं पा रहा था, बट मैंने इसको अपने वे में देखा भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक दो चीज़ बनाई सीखी दाएँ बाएँ की, तब मुझे को पता चला कि भाई अच्छा ये चीज़ ऐसे काम करती है। सो सीन क्या है कि यहाँ पे हम लोग को ना इस तरीके से ब्लॉक लगाने आगे। ठीक है, इस पिस्टन के आगे ना हम इस तरीके से ब्लॉक प्लेस करने गए। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ब्लॉक प्लेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो बीच में दो ब्लॉक का गैप है। ठीक है, इधर इधर एक ब्लॉक लगे हैं एंड देन उसके आगे पे पिस्टन लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि इन पिस्टन के ऊपर भी हम लोग को यहाँ पे ब्लॉक लगा देना कि ये पिस्टन दिखे नहीं। ठीक है, जो कि हमारे वे होंगे, जो कि हमारा रास्ता होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ, ओए सू सू करना बंद कर दे, मैं पीट दूंगा, देखो मार खा जाएगा फालतू का। हाँ, तो इस तरीके से हमारा ना ये हो जाएगा बेसिकली ए ए ए ए ए ए ये। हाँ, तो ये हो गया हमारा बेसिकली। अब जैसे मान लो भाई नीचे पानी वानी है, लावा वावा रखा है नीचे। ठीक है, अब तुम लोग ऐसा बना सकते हो एकदम, मतलब ऐसा कूल सा, मतलब राजा महाराजा वाली फीलिंग देगा पूरी की पूरी। तो तुम्हें क्या करना होगा ना कि सबसे पहले तुम्हें ना एक ट्रिप वायर चाहिए होगा। ठीक है, ट्रिप हुक जो भी कहते हो यार उसको, क्या कहते हैं, अरे कहाँ से आता है वो, मेरे को देखने दो यार, हॉल पे जाने दो, मेरे को देखने दो, वो क्या कहते हैं उसको, अरे अरे वो क्या होता है, रेड स्टोन, अरे स्ट्रिंग तो चाहिए ही चाहिए, स्ट्रिंग दे दो भाई। ठीक है, मुझको ना वो चाहिए, कहाँ गया भाई, दिख जा, क्या नाम था उसका, उसको क्या कहते हैं उस नल को, अरे स्ट्रिप कहते हैं, क्या कहते हैं भाई उसको, अरे गाइस इसको पता है, मैं लिटरली चार बहुत देर से सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को जाके ये ट्रिप वायर हुक, देखो मैं सही डाल रहा था, मैं ट्रिप सही डाल रहा था, नहीं मैं ट्रैप डाल रहा था, मैं क्या डाल रहा था, मैं पता नहीं क्या डाल रहा था, जैसे ही मैंने हु डाला ना तो कोई मेरे को मिल गया। ठीक है, हु। ठीक है, अरे भैया बादल बादल मत कर जाओ, मुझे जाना है अभी लखनऊ वैली। हाँ, टाइम सेट डे और वेदर क्लियर करो भाई, इतना बारिश करोगे ना मैं फिसल के गिर जाऊंगा भाई, इसीलिए कहता हूँ बारिश बारिश अच्छी नहीं लगती मुझे इतनी। तो क्या सबसे पहले आप लोग इस तरीके से कर लेना है, एंड देन आप लोग को ना यहाँ पे सारे पे ऐसा ट्रिप वायर हुक लगा देना। ओके, इस तरीके से आप लोग को ट्रिप वायर हुक लगा देना सारे को। ठीक है, एंड देन गाइस अब आप लोग को इसको इसको इससे कनेक्ट करना है। तो इससे कनेक्ट करने के लिए आप लोग को चाहिए होगा स्ट्रिंग, जो कि मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, देख पा रहे हो, अबे नहीं हुई क्या। ठीक है ओके, तो मैंने इधर और इधर लगाया ना, तो ये इस तरीके से झुक गया, मतलब कि ये लग चुका है, ये आपस में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ, अरे हो जा भाई, अरे मैं सही में गिर गया भाई, हो जा भाई, क्या दिक्कत है, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो, अरे हो जा, अरे हो जा ना। हाँ, सो देख पा रहे हो
इस तरीके से। देखा तुमने? एक मिनट, हमें ना इसको चेंज करके ना स्टिकी पिस्टन लगाने हैं, ठीक है? स्टिकी पिस्टन लगाने हैं। मैंने नॉर्मल पिस्टन लगा दिया यार, गलती हो गई मेरे से यार। स्टिकी पिस्टन लगाने हैं जिससे कि ये वापस अंदर चले जाए, ठीक है? तब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। तो पहले तो हम इसको तोड़ देते हैं। हमें स्टिकी पिस्टन चाहिए बे। पूरा का पूरा सीन खराब हो गया। रुको, मैं पहले सबसे पहले स्टिकी पिस्टन बनाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ तुम लोगों से। अभी देखो, मैंने ना जितनी भी गलती थी ना वो सारी की सारी रिप्लेस कर दी है। अपनी गलती को, पुरानी पुरानी गलती को एक अच्छे अच्छी अरे मतलब अच्छे काम में रिप्लेस कर दिया है, ठीक है? तो मैंने ये सारे पिस्टन को ना नॉर्मल पिस्टन से हटा के स्टिकी पिस्टन में लगा दिया। इससे यही होता है, देखो जो मैंने किया ना अभी, यही होता है इससे, ठीक है? देखो जैसे अभी मैंने वेदर क्लियर किया अभी। सो गाइस, जैसे मान लो तुम्हारे पास ना महाराजा से राजा से भी बहुत बड़ा गेट है, ठीक है? अब तुम्हारे नीचे यहाँ पे ना ऐसे एकदम लावा है, ठीक है? एकदम मतलब जो जोर वाला लावा है, ठीक है? हाँ, और आगे बड़े बड़े गेट है, मतलब यू नो अपने आप को ना एकदम ऐसा पजलाइज्ड पर्सन हो तुम, एकदम कुछ ज़्यादा ही पजलाइज्ड पर्सन हो तुम्हें। अपने महल, अपने अपने पूरे 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 एम्पायर में ऐसी पजलाइश चीज़ें पसंद है, तो तुम यार अपने घर में ये चीज़ लगवा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है? अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं इसका जादू। बेसिकली अभी तुम लोगों ने देख लिया है, मैं गलती से आगे बढ़ बढ़ के तुम लोगों को सारे स्नीक पिक्स दे दिए, जिससे मैं तुम्हें पूरी फिल्म दिखा देता हूँ, ठीक है? तो जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा, ठीक है, ये हटता चला जाएगा, आता चला जाएगा। इस लिटरली गाइस इट्स लुक क्रेजी। मैं भागते भी जाऊँगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं लिटरली ऐसे उछलते भी जाऊँगा ना तब भी। अरे मैं ठीक है, हाँ मेरी गलती थी, अरे भाई जाने दो यार। तो अभी ना ये लिटरली गाइस बहुत सही है, देख पा रहे हो? मतलब आदमी को एक बार को शक भी होगा कि भाई वो कैसे जाएगा एक बार, तो ठीक है एक बार को आदमी दिक्कत शक में आ जाएगा, जो नया प्लेयर हो भाई, लावा है, लावा के ऊपर से कैसे जाएंगे, ठीक है? तो मतलब वो ऐसा डर जाएगा। एंड मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रेजी है, लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, मुझे बहुत पसंद है ये। मैं अपना ना इसको ज़रूर से आप लोग एक बार अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाइए एंड लोगों को देखिए, लोगों को इन्वाइट करिए, ठीक है? एंड मैं तो यार इसको अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में ज़रूर से बनाऊंगा, या फिर अगर मैं जनता सर्वर खेलूंगा तो जनता सर्वर में भी ज़रूर से मैं बनाऊंगा, क्योंकि यार ये लिटरली बहुत क्रेजी है यार, ये बहुत सही गेट है भाई, ठीक है? इसको मैं ऐसा छुपा उपा दूंगा, एकदम मस्त एकदम बढ़िया सा बना दूंगा, ठीक है? सो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है? तो अब चलो, अब इस वाले टिकटॉक हैक्स को यहीं पे हम एंड करते हैं एंड देन बढ़ते अपने तीसरे वाले टिकटॉक की तरफ, मतलब टिकटॉक हैक्स की तरफ, ठीक है? सो गाइस, आज ना हम लोग एक कुर्सी बनाने वाले हैं। अब वो कुर्सी ना बहुत ही ज़्यादा ओपी लेवल की होने वाली है। अब देखो यार, मैं ऐसी वैसी कुर्सी नहीं बनाता, ठीक है? मतलब मैं ऐसी वैसी बनाऊंगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं जो भी कुर्सी बनाऊंगा ना थोड़ी सी अच्छी बनाऊंगा, मतलब थोड़ी सी गुड लुकिंग बनाऊंगा, दिखने में भी मजा आया आदमी को, ऐसी कुर्सी बनाऊंगा, ठीक है? सो हम लोग गाइस यहाँ पे फटाफट से सबसे पहले सर्च कर लेते हैं। हमें थोड़े से सामान की जरूरत है, लाइक अ कार्ड चाहिए होगा हमें, ठीक है? कार्ड चाहिए होगा एंड देन हम लोग को चाहिए होगा रेल, ठीक है? रेल चाहिए होगा। रेल लेने के बाद गाइस हम लोग को चाहिए होगा ट्रैप डोर, ओके? ट्रैप डोर चाहिए होगा, तो हम लोग को चाहिए होगा ट्रैप डोर। तो ट्रैप डोर हम लोग ले लेते हैं, डार्क ओक ट्रैप डोर, गुड, हाँ इट्स गुड, नथिंग इशू, ओके? एंड हम लोग को गाइस चाहिए होगा एक स्लैब, ठीक है? हम लोग को एक स्लैब मिल गया एंड देन हम लोग वापस से चाहिए होगा रेड स्टोन। मैंने रेड स्टोन क्यों फेंका, मेरा मैं ज़्यादा ही दिमाग लगा लेता हूँ कभी कभार, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सारा सामान आ चुका है। देन सबसे पहले गाइस हम लोग देखो, हम लोग अगर कहीं पे कार्ड प्लेस करते हो तो कार्ड ऐसे प्लेस होती नहीं है, तो हम लोग गाइस इसके लिए रेल लगानी पड़ेगी, ठीक है? एंड देन हम लोग को इसको इसके ऊपर रखना पड़ेगा एंड देन इसको तोड़ देना पड़ेगा और हमारे पास रेल भी आ जाएगी, ठीक है? अब ये कार्ड हमारी यहाँ पे प्लेस हो गई है। अब हमें क्या करना है ना गाइस, कि इसके यहाँ पे आना है एंड देन ओक ट्रैप डोर को लगाना है एंड देन इसको इस तरीके से खड़ा करना है, ठीक है? इसको भी लगाना है, इसको भी लगाना है और ए शिफ्ट प्रेस करके ना इसके ऊपर भी लगाना है एंड देन इसको यहाँ पे कर देना है, ठीक है गाइस? अब यहाँ पे देख पा रहे हो ये थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, ओके? तो इसको मैं और थोड़ा सा स्टाइल बनाने के लिए ना इसको मैं यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करूँगा, स्लैब लगाऊंगा एंड देन मैं यहाँ पे एक, अरे ठीक है, अरे वो अपनी जगह से हिलना नहीं भाई, हिलना नहीं, इसको मैं लगाऊंगा एंड देन मैं यहाँ पे इसको पावर दे दूंगा। ये चलो चला गया इसके अंदर, ठीक है? अब देखो ये मस्त सा दिख रहा है ना। अगर मैं इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग लाइक हम लोग के पास प्लैंक है क्या, कहीं प्लैंक पड़ा है क्या? भाई छोड़ो, प्लैंक तो ऊपर ही मिल जाते हैं। हाँ, तो जैसे हमारे पास ये प्लैंक आ गया गाइस, ठीक है? अब हमारे पास ये प्लैंक्स हैं। अब मैं ना इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अति खूबसूरत बना देता हूँ। खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक का तुम ले लो, जैसे हम कहीं खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं तो हमें स्पीच के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, एक वो चाहिए होगा, मतलब जो कि बुक वाला सीन होता है जहाँ पे जिस पे वो लौंडे लोग खड़े होकर पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं यार, उसको क्या नाम होता है इसका, बुक का? रुको मेरे को देखो, देखने दो यार, बुक बुक का क्या नाम होता है, मुझे उतना बुक बुक के बारे में नहीं पता भाई। ओके देखने दो, मुझे बुक का पता नहीं क्या होता है भाई, वो ना ऐसा
ऐसा ना, ऐसा खड़ा सा होता है, मतलब उसके ऊपर हम लोग रख के बेसिकली पढ़ते हैं, वो ऐसी चीज होती है। ठीक है, मेरे को दिख तो नहीं रही है भाई, वो कहाँ है भाई, कैसे, क्या नाम होता है भाई इसका। सो गाइस, हम लोग को फाइनली एक और नई 1 बिलियन करोड़ टाइम्स अपने वेस्ट करने के बाद हम लोग को पता चला कि इसका नाम लेक्टर है। मैं कैसे भूल गया यार, मैंने वीडियोस में बता रखा है अपने भाई, मैं क्या बड़ा नू बड़ा हूँ यार। ठीक है, सो हम लोग इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसको इस तरीके से लगाने के बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ बुक्स रख सकते हैं। ठीक है, लेकर जैसे मान लो बुक्स एंड कोई नहीं चाहिए हमें, बुक्स ही चाहिए हमें, बुक्स दे दो यार, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे, अरे ये बारिश बार बार क्यों जाती है भाई, क्या दिक्कत है बारिश को, हैं क्या दिक्कत है भाई बारिश को, सुबह करो जल्दी से तुम। ठीक है, ओके, मैं इसको ना, इसके ऊपर रखते कैसे गाइस बुक, अरे मैं ट्रैप डोर लेके रखूंगा तो कहाँ से रखा जाएगा भाई, अरे नहीं रख, क्यों रख नहीं पा रही भाई, रख जाना बुक रख, अरे बुक रखती है भाई, मैंने देखा है यार बुक रखती है, रुको रुको रुको, मैंने देखा है शायद बुक एंड स्कूल रखी हो शायद, हाँ ये देखा ना तुमने, ये बुक एंड स्कूल रख गई। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि हम लोग इसको सजाने के लिए, एज अ मच्छर तेरी ऐसी की तैसी, हाँ इसको हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, मतलब एकदम प्रोफेशनल वाली फील है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ना गाइस पॉट वगैरह रख सकते हैं इसको सजाने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो ये पॉट ले लिया मैंने, ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ फ्लावर्स लगा देता हूँ लाइक दिस, यही लगा देता हूँ, ये क्या नाम है इसका, कॉर्न कॉर्न फ्लावर, बुट्ठा का, बुट्ठा बुट्ठा ही कहते हैं ना, भुट्टा, हाँ क्या ही बोलता रहता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया गाइस, देख पा रहे हो, मतलब एकदम ओपी लग रहा है ना गाइस, लिटरली से मतलब मस्त लग रहा है ना एकदम ये। ठीक है, तो अब हम लोग गाइस इसके ऊपर बैठना कैसे है, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ बैठना कैसे है। बैठने के लिए हम लोग को गाइस इस पर सिंपली आना है, राइट क्लिक करना है एंड देन अपने आप को देखना है। तो हम लोग गाइस यहाँ पे फाइनली बैठ चुके हैं। अब हम लोग को जो गाइस एकदम, मतलब देख पा रहे हो ना कितना कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, देख पा रहे हो, मतलब पढ़ा लिखा कैस्केड ओपी, ओके इन गेम पढ़ा लिखा कैस्केड ओपी, तुम लोगों ने ऐसा कभी 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 ऐसा नहीं सुना होगा, कभी नहीं ऐसा देखा हो, देखो आज देखने को मिल रहा है तुम्हें, आज देखने को मिल रहा है। और गाइस मैं तुम लोगों को एक और माइनक्राफ्ट का हैक बता दूं जल्दी से, चौथा हैक जो कि अभी मैंने देखा है। तुम्हें क्या करना है गाइस, तुम लोगों को मैं एक चीज सिखाऊंगा, देखो जैसे ये रेड कलर है ना, ठीक है, देखो जैसे मेरे पास ना एक लाइक, देखो जैसे ये रेड कलर है ना, तो मुझे इसको ना ऐसे ग्रे करना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देखो जैसे ये रेड कलर बेसिकली गुलाबी है ये, ठीक है, लेकिन ये रेड ये ग्रे है, ठीक है, तो अब मैं ना इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए गाइस नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको जाकर जोर से एक बार दबा दीजिएगा, वो ग्रे हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ बहुत ही ज्यादा चीप हो गया ये, लेकिन यार प्लीज जाके उस वाले बटन को दबाओ एंड लाइक करो यार, प्लीज लाइक करो ये वीडियो को, प्लीज लाइक कर भी ना मत जाना यार अगर तुम देख रहे हो। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ जाओ, मिलते हैं इस वीडियो में, मुझे जाना है अभी पनवेल, पनवेल क्या यार, लखनऊ जाना है मुझे, लेट हो रहा है। ठीक है, एंड बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, कौन सा पार्ट मस्त था, कौन सा हैक मस्त था बताना, और जाके यार मैं बता रहा हूँ तुम्हें वो ब्रिज वाली, वो ब्रिज वाला आइडिया ना एक बार जरूर से जाकर तुम अपने सिंगल प्लेयर बेड में चेक करना यार, लिटरली बहुत मजा आएगा, मैं तो करूंगा भाई, मैं मजा आएगा मेरे को, मैं मुझे मजा आएगा भाई, तुम सिंगल प्लेयर बेड में करो या मल्टीप्लेयर में करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ये सारे हैक्स अपनाना बहुत मजेदार है, और ये सारे के सारे वर्किंग है, मैं किसी भी तरीके की फेक नहीं बता रहा हूँ, ओके। हाँ मेरे पास भी मैंने देखे हैं वो एक तो, चलो हटाओ, मैं बाद में कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, चलो बाय बाय, टेक केयर, मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय।